हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुखार के बारे में। जो आजकल ऐसा मौसम चल रहा है जिसमें मौसम चेंज हो रहा है, तो ज़्यादातर फीवर देखने को हर जगह मिल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसके सिम्टम की, यानी जब आपको फीवर हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी कोज की, यानी जो बुखार होता है वो किस किस कारणों से आपको होता है। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट टाइम बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो जानेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई जाती है सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाई जाती है, तो इसलिए वीडियो को देख के कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें, इससे आपको घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी कोई भी मेडिसिन ले तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ना लें, यानी डॉक्टर की सलाह से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे सही इलाज हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी YouTube वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, यानी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बुखार की, यानी जो फीवर होता है वो क्या होता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होना आपको फीवर कहलाता है या फिर पायरेक्सिया कहलाता है। दोस्तों, अगर सामान्य टेम्परेचर की बात करी जाए, यानी जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, अगर सेल्सियस में बात करी जाए, जो टेम्परेचर लिया जाता है सामान्य वो 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। अगर दोस्तों फारेनहाइट की बात करी जाए, 97.6 फारेनहाइट से लेकर 98.6 फारेनहाइट के जो बीच का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, यानी जो मैंने टेम्परेचर बताए वो नॉर्मल होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर इन टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो फीवर कहलाता है या फिर पायरेक्सिया कहलाता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके हम सिम्टम की, यानी जब आपको फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं या फिर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जिसमें पहला क्या आता है दोस्तों, टेम्परेचर आता है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक हो जाता है, यानी 99 से लेके 103 तक फारेनहाइट हो जाता है, जिससे बॉडी आपकी गर्म लगती है, यानी फीवर की कंडीशन में रखा जाता है। यानी बॉडी क्या होती है आपकी, ज़्यादा हीट हो जाती है तब उसमें मेडिसिन दी जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो होता है इसमें चिल होता है, यानी इसमें आपको सर्दी लगती है या फिर कभी कभी क्या होता है कपकपी वाली सर्दी लगती है तो भी ये उसका सिम्टम दिखाई देता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो इसमें सिम्टम होता है वो हेडेक होता है, यानी इस बुखार में क्या होता है आपको सिर दर्द भी हो सकता है या फिर बॉडी पेन भी हो सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो होता है इसका सिम्टम, यानी रनिंग नोज पाया जाता है। जो वायरल फीवर होता है उसमें रनिंग नोज हो जाती है, जिससे नाक का बहना, नाक से गंदा पानी बहना वो इसके अंदर आता है। और नेक्स्ट जो इसका सिम्टम पाया जाता है, सो थ्रोट पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है गले का बैठना या फिर गले में कुछ अटका सा रहना या फिर निगलने में कोई कठिनाई होना या फिर पानी पीते समय क्या होता है दर्द होता है, ये इसका सिम्टम पाया जाता है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है इसका लॉस ऑफ एपेटाइट पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है जब आपको फीवर होता है बुखार में, या तो आपको भूख बहुत कम लगेगी या फिर जो आपको खाना होता है वो कड़वा सा लग सकता है, ये इसका सिम्टम पाया जाता है। और नेक्स्ट सिम्टम जो पाया जाता है दोस्तों, इसका मसल पेन पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है जब आपके पूरे शरीर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा या फिर आपको जो काम करने की इच्छा होती है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी या फिर आपको लेटर रहने का मन करेगा। दोस्तों, ये इसके कुछ सिम्टम पाए जाते हैं, यानी जब आपको फीवर हो जाता है तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कोज की, यानी जो फीवर होता है आपको किस किस कारणों से होता है या फिर इसके क्या क्या कारण होते हैं जब आपको फीवर होता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, यानी इसमें पहला क्या पाया जाता है, कंटामिनेटेड फूड पाया जाता है। इसमें क्या होता है जब आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, जिससे आप खराब खाना खाते हैं या फिर गंदा खाना खाते हैं तो उससे भी आपको फीवर हो सकता है। और फ्रेंड, ने जो इसका कारण पाया जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है जो व्यक्ति पहले से इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फेक्शस होता है, आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो आपको ये भी फीवर होने का खतरा रहता है, या फिर आप किसी एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो भी आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, या फिर आप कोई कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं या फिर आप गंदा पानी पी रहे हैं तब भी आपको ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो कोज पाया जाता है दोस्तों, इसका वीक इम्यूनिटी पाई जाती है, यानी जब आपकी शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आपको फीवर होने के चांस हो जाते हैं।
फ्रेंड अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको फीवर हो जाता है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाता है यानी बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाता है यानी नॉर्मल से बढ़ जाता है तो वो फीवर कहलाता है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें सबसे पहले पसंदीदा टैबलेट कालपोल दी जाती है, यानी इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं और 4 बार भी इसको लिया जा सकता है, यानी कंडीशन के ऊपर आपको डिपेंड करता है। फ्रेंड्स अगर आपकी बॉडी में बुखार के साथ साथ दर्द भी रहता है तो आप उसको आइबुजेसिक प्लस भी दे सकते हैं या फिर कॉम्बिफ्लेम टैबलेट भी दी जा सकती है, साथ ही उसको जीरोडोल पीबी या फिर जीरोडोल एसपी टैबलेट भी दी जा सकती है। दोस्तों अगर एंटीबायोटिक की बात करी जाए यानी इसमें जो टैबलेट दी जाती हैं जीफी 200 भी दे सकते हैं, मॉक्स कैप्सूल भी दिया जा सकता है या फिर ओगमेटिन 625 टैबलेट भी दी जा सकती है। दोस्तों ये जो टैबलेट होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के काम में प्रयोग में लाई जाती है, जिससे जो इन्फेक्शन होता है आपके शरीर में वो ठीक हो सके। और फ्रेंड्स एंटा एसिड के तौर पे आपको टैबलेट जो दी जाती है जिससे आपके पेट में गैस ना बने, एसिडिटी ना बने, तो आपको पेंटो 40 टैबलेट के नाम से दी जाती है, साथ ही या फिर आपको एसिलोक टैबलेट के नाम से भी दी जाती है। यानी ये जो टैबलेट होती हैं आपके जो शरीर में टैबलेट दी जाती हैं जिससे आपके शरीर में गैस ना बने उसकी कारण बचने के लिए ये टैबलेट आपको दी जाती है, जिसमें क्या आती है पेंटोप आती है या फिर एसिलोक आती है, ये दोस्तों इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।